हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल कुकिंग टिप्स बाय निधि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू पोहा मटर गाजर का कम तेल से बना क्रिस्पी नाश्ता, जिसे आप कभी भी नाश्ते में बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें विशेष सामान की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसे किचन की रोज की सामग्री से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। आलू पोहा मटर गाजर की टिक्की बनाने के लिए हमने लिया हुआ आलू पोहा मटर गाजर। पोहा को हम 2 से 3 घंटा तक भिगो के रख लिए हैं। मटर गाजर को उबाल लिए हैं। आलू को भी हमने उबाल लिया, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। इसमें लगने वाले मसाले हैं हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन, जीरा, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, काला नमक, सादा नमक, धनिया पत्ती, तेल। आलू को हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक गहरा बर्तन लेंगे, उसमें हम पोहा को डालेंगे। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। पोहा का एक भी दाना नहीं दिखना चाहिए इसमें। हमारा पोहा ये अच्छी तरह से मसल गया है। अब हम इसको एक साइड में कर देंगे। इसमें हम मिलाएंगे मटर और मटर को मसल अच्छी तरह से मसल लेंगे। इसके पहले हम अपने हाथों में लगाएंगे तेल। तेल लगा के हम इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब हमारी मटर भी अच्छे से मैश हो गई, इसको हम एक साइड पे कर लेंगे और हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और हम इसमें गाजर मिलाएंगे। गाजर को भी बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। गाजर में अधिक मात्रा में विटामिन और प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे गाजर का उपयोग कर रहे हैं। गाजर में अच्छे से मैश हो गई है, आप इसे भी हम एक साइड पे कर देंगे और तेल लगा लेंगे हाथों में अपने। और अब हम मिलाएंगे इसमें आलू। आलू मिलाने से बहुत अधिक अच्छे से क्रंची बन जाते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितना अच्छा कलर इसको दिख रहा है ना, कहीं पे हरा कहीं पे लाल। हमें इसे चारों तरफ से घुमाते हुए मैश करना है, जिससे पोहा आलू मटर गाजर अच्छे से मिल जाए। आलू पोहा मटर गाजर बहुत अच्छे से मिल गए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे अपने मसाले हरी मिर्च, अदरक, अजवाइन, जीरा पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, काला नमक और सादा नमक। हमने काला नमक मिलाया हुआ है, इसलिए सादा नमक हम कम मिलाएंगे। और आप इसे अपने टेस्ट के अनुसार भी मिला सकते हैं। और इसमें मिलाएंगे धनिया पत्ती और हाथों में तेल लगा के हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। पहले हाथों में हम तेल लगा लेंगे और फिर इसकी टिक्की बनाएंगे। आप इसकी भी किसी शेप में बना सकते हैं। इसे आप अपने हाथों की मदद से गोल गोल कर लीजिएगा। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उसके पहले उसकी पेड़े बनाते हैं, उसी प्रकार से फिर से अपने हाथों में तेल लगाएंगे और इसी प्रकार से और टिक्कियाँ बना लेंगे। ये टिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम तेल से बनती है, तो और भी अधिक टेस्टी लगती है ये टिक्की। अब हम सेकते हैं। हम ब्रश की सहायता से डोसा तवा में चारों तरफ तेल लगा लेंगे
हमने डोसा तवा लिया हुआ है क्योंकि इसमें तेल बहुत कम लगता है और इसमें सामान चिपकता भी नहीं है और बहुत अधिक टेस्टी भी बनता है। हम एक एक करके अपनी सब टिक्कियाँ रखेंगे इसमें। ब्रश की सहायता से हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा देंगे चारों तरफ अच्छे से और जब हमारी टिक्कियाँ नीचे से हमें ऐसा लगे कि पक गई हैं तो इसे हम पलट लेंगे और हमें इस टिक्की के थोड़ा ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। पहले हम इसे चारों तरफ हिला के देखेंगे, यदि ये हिल रही हैं तो हम इन्हें पलट देंगे। कितना अच्छा इसका रंग आ गया है। हमने आपको बताया हुआ था इसे आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, इसलिए हमने कुछ इसको लंबे शेप में बनाया हुआ है। और फिर इसे इस साइड पे सेकेंगे। टिक्कियाँ अब अच्छे से दोनों तरफ सिक गई हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू पोहा मटर गाजर की टेस्टी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।